कुछ जो चीज़ें हैं, मतलब कुछ डेफिनेशन है, कुछ क्या कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी है जो कहती हैं कि सोशल वर्क क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो लोग इसमें हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ आपके, इधर है सोशल वर्क, ठीक है, और यह है सोशल सर्विस। ये आपको इंटरव्यू में बहुत काम देगा। तो सोशल वर्क क्या है कि सोशल वर्क क्या करता है कि ऑप्टिमाइज करता है इस किसी इंडिविजुअल की सोशल फंक्शनिंग को, ठीक है, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा, तो ये हमारी सोशल फंक्शनिंग को, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। सोशल सर्विस क्या करती है कि जस्ट किसी की हेल्प कर देना, ठीक है, किसी को प्रोटेक्शन दे देना, ठीक है, उसको रिसोर्स को मेंटेन कर देना, ठीक है, तो ये हुई सोशल सर्विस। यहाँ हम उसकी फंक्शनिंग को इन्हांस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सोशल सर्विस की जो है मैंने पिछली बार लिखा था कि इसे हेल्पिंग द हेल्पलेस टू हेल्प देम सेल्फ, ठीक है, तो इसकी जो आइडियोलॉजी होती है वो करती है सेल्फ हेल्प पे ज़्यादा। महात्मा गांधी जी ने कहा था सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, ठीक है, तो वही एक आइडियोलॉजी सोशल वर्क की भी है, ठीक है। जो सोशल सर्विस होती है ये होती है प्रॉब्लम और डिमांड स्पेसिफिक, ठीक है। और सोशल सर्विस तो बहुत लोगों ने करी कि हम जब कि ग्रेजुएशन में करते हैं नेशनल सोशल सर्विस, ठीक है, मान लो हम किसी एक गांव में गए, ठीक है, गांव में हमें लग रहा है कि वहां पे हमें कैंप लगाना है, ठीक है, ब्लड डोनेशन का, ठीक है, तो हम ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, तो हमारी वहां पे डिमांड क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। कहीं कहीं पे जाके हम सफाई भी करते हैं, ठीक है, जो घास होती है, ठीक है, उसको हम काटते हैं वहां पे, तो वहां पे डिमांड जो होती है वहां अलग होती है। कहीं वहां कूड़ा कचरा साफ करते हैं वहां पे, तो ये डिमांड बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मोटो, हेल्पिंग द हेल्पलेस टू हेल्प देम सेल्फ, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, ठीक है। अब हम देखेंगे सोशल वर्क और सोशल रिफॉर्म क्या होता है, इसमें भी लोग कंफ्यूज आते हैं। सोशल वर्क क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ठीक है ना, ये क्या है, ये रेडिकल चेंज है। रिफॉर्म जो होते हैं धीरे धीरे होते हैं, ठीक है, और जो सिस्टम सोसाइटी में इररिलेवेंट हो गए हैं, ठीक है, जिनकी पहले जरूरत थी लेकिन आज जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उनको चेंज करना वो कहलाता है सोशल रिफॉर्म, ठीक है। सोशल सर्विस क्या होती है कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको प्रोफेशनल तरीके से दूर करना, एक सोसाइटी में जो ऑलरेडी है उनको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म जो इररिलेवेंट हो गई, पुरानी हो चुकी, जिनका यूज नहीं है उनको चेंज कर रहा है, तो दोनों चीजें में बहुत अंतर है, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड यूज करता है, हमें पता ही है, ठीक है, और ये जो करता है फ्यूचरिस्टिक विजन देता है, ठीक है, रिफॉर्म कि इसके बाद ये होगा तो हमारा फ्यूचर ये होगा, ठीक है, तो ये हो गया सोशल रिफॉर्म का। और सोशल वेलफेयर, इसमें क्या डिफरेंस है, सोशल वर्क जो होता है हमने देखा कि वही पहली वाली चीज, ये इम्प्रूव क्या करता है हमारी फंक्शनिंग को, ठीक है, और वेलफेयर एक्टिविटी जो होती है ये जो करती है जो मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस होता है, ठीक है, मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है, जो आजीविका जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको फुलफिल करता है, ठीक है, दोनों बहुत अंतर है। मतलब सोशल वेलफेयर एक्टिविटी क्या करेगी, उसको फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, जो बेसिक नीड है, ठीक है, इन पे ध्यान देगी, और सोशल वर्क हमारी फंक्शनिंग ही बढ़ा देगी कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने पैर पर खुद खड़े हो जाएंगे, हम इससे ज़्यादा चीज़ें अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आया सोशल वर्क और सोशल एक्शन, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें। सोशल वर्क क्या होता है कि एडजस्ट करता है नीड, कैपेसिटी, रिसोर्सेज में। नीड क्या है उस इंडिविजुअल को, उसकी कैपेसिटी क्या है, अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसका डेप्थ नापूंगा कि भाई वो कितनी उसकी कैपेसिटी क्या कर सकता है वो, ठीक है, फिर उसके पास रिसोर्सेज का क्या क्या है,
तो नीड कैपेसिटी रिसोर्सेज, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको मॉडिफाइड करता है सोशल वर्क के अंदर, ठीक है। और सोशल एक्शन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, ठीक है, फॉर सिक्योरिंग इस सोशल प्रोग्रेस, तो इसको बोलते हैं सोशल एक्शन, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, वही ये प्रोफेशनल सर्विस है, ठीक है, और सोशल एक्शन क्या है, ये मास सोशल प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस करता है सोशल लेजिस्लेशन से। मान लो जैसे कि कोई ऐसा कानून चाहिए हमें, ठीक है, अनटचेबिलिटी थी भारत में, ठीक है, छुआछूत बोलते हैं इसको, तो अनटचेबिलिटी के लिए अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन लॉ एक्ट आया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कहलाएगा सोशल एक्शन, ठीक है। तो उन्होंने लॉ ही ला दिया जिससे कि प्रथा ही खत्म हो जाए, वो ही सोशल एक्शन के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमने पहले पढ़ा, सोशल वर्क सोशल सर्विस बहुत अंतर है, सोशल वर्क सोशल रिफॉर्म दोनों में बहुत अंतर है, सोशल वर्क सोशल वेलफेयर दोनों में अंतर है, फिर सोशल वर्क और सोशल एक्शन हमने पढ़ा, इन दोनों में भी काफ़ी अंतर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो डिफरेंस करवाता है, फिर आपको एनालिसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप किसके पॉइंट लिख रहे हैं। अगर एक दूसरे के पॉइंट क्रॉस हुए तो समझ जाएगा कि आपको सोशल वर्क आता नहीं है, आपने बहुत कम टाइम में पढ़ा है, ठीक है। तो इसके आगे मैं आपको दूसरा बताता हूँ।